एक चीज जो हम सबको समझना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा बेसिकली, दैट नोबडी नोज हाउ दिस ह्यूमन बॉडी फंक्शंस इन इट्स एंटायरिटी। पूर्णता में कोई भी नहीं जानता कि ये मानव शरीर या कोई भी जीवन किस तरीके से काम करता है। नहीं तो हमारे पास में कई जवाब होते आज, वी वुड हैव लॉट ऑफ आंसर्स। हाउ डज लाइफ हैपन्स, हाउ वेयर फ्रॉम इट कम्स एंड वेयर डज इट गो, हाउ इट हैपन्स इन इट्स एंटायरिटी, एंड वी वुड हैव बीन एबल टू अरेस्ट मेनी 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 डिजीजेस इफ वी वुड हैव नोन। अगर हम जानते तो बहुत बीमारियों को कम कर सकते थे, मगर कम तो कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग इज ऑन राइज। नोबडी नोज इन इट्स एंटायरिटी हाउ दिस लाइफ हैपन। कोई भी पूर्णता में नहीं जानता कि ये जीवन कैसे होता। तो इसका मतलब है, what does it mean if we intervene in the process of life? अगर हम हस्तक्षेप करते हैं जीवन की व्यवस्था में तो वो और बिगड़ जाता है। इट बिकम्स डिस्टर्ब। दिस इज वॉट हैज हैपन्ड इन द लास्ट 50 years। पिछले 50 सालों में ये ज्यादा हो। मानव शरीर की व्यवस्था तंत्र के साथ में बहुत हस्तक्षेप किया गया। इसमें छेड़खानी बहुत ज्यादा थी। ह्यूमन इंटरवीन्ड इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, इन द प्रोसेस ऑफ देयर ओन लाइफ। सो व्हाट हैपेंड, उसकी वजह से हुआ क्या? वी एक्चुअली वीकेंड आर सर्वाइवल कैपेसिटी। हमने अपने जीने की क्षमता को कम कर दिया। जीने की क्षमता को कम कर दिया। मुझे एक बात बताइए, कौन से गांव में कोरोना है? कौन से भिखारी को कोरोना है? मीडिया वाले छोड़ते नहीं अगर कोई भिखारी मर जाता है रोड पे तो। कोई गांव में कोरोना नहीं, कोई भिखारी को कोरोना? कौन से गरीब देश में कोरोना है? ये अमीर देशों के प्रपंच हैं जो। नहीं नहीं लोग मर रहे हैं तो मरेंगे, आप दवाइयां लेंगे तो मरेंगे। बचपन से लेके आपको इस जीवन की व्यवस्था के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दिया। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहली बात तो पैदा ही नहीं होता ठीक से, आजकल सी सेक्शन सिजेरियन से पैदा होता। एंड देन वी पुट ऑन लॉट ऑफ वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन डालते हैं उस बच्चे के ऊपर, और बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े परंपरा के तौर पे डालते हैं कि भाई ये तो डालना ही, कार्ड बनाते हैं। आज नए रिसर्च आ रहे हैं, वो कहते हैं दोज किड्स हु आर वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीनेट किया गया है, उनका जीने की क्षमता, बीमारी में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये रिसर्च उन्हीं का ही है जो वैक्सीन दे रहे हैं। तो बिना जाने शरीर के साथ में और इस पूरे व्यवस्था के साथ में छेड़खानी करना। प्रकृति कैसे चीजों को संभालती है हमें थोड़ा तो अंदाजा आज है। वी नो अ लिटिल बिट अबाउट हाउ नेचर हैंडल थिंग्स, मगर देखिए कितनी छेड़खानी कर दी उसके साथ में। 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। आपका वातावरण सही नहीं है, आपके ताल तालाब पानी फ्रेश वाटर कहाँ गया? हवा कैसा होगा? आप मास्क लगाएंगे फिर कहेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। हाइपर एपनिया ऑक्सीजन लेवल तो कम करेगा ही, बट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग करें ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस करके ब्रीदिंग करें। व्हाट इज कुंभक? ये स्ट्रेस में ब्रीदिंग है। आप पेट के बल लेट के ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल।
पर केवल ऑक्सीजन देख रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ही शरीर को चाहिए था तो फिर एनवायरनमेंट में केवल ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन ही होता ना, मगर बाकी फिर हवा में बाकी चीजें क्यों हैं? अभी तो केवल ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। कोई दवाई नहीं हो सकती वायरस की, फिर दवाई क्या खिला रहे हैं? रेमडेसिविर, रैबी फ्लू, सैबी फ्लू, कौन सी दवाई खिला, एंटीबायोटिक, सारे के सारे जो मलेरिया के ड्रग्स हैं वो खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? वाई? जब वायरस की दवाई नहीं है तो वो क्यों खिला रहा है? ये प्रोटोकॉल कौन बना रहा है? उसने ठीक कर दिया क्या लोगों को? एक और डेटा दे रहे हैं आजकल, आप ये समझ लीजिए एक और डेटा दे रहे हैं। नहीं नहीं, दो वैक्सीन ले लो उसके बाद आपको कोरोना, ज्यादातर लोगों को नहीं, ज्यादातर लोगों को तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था। आप वैक्सीन ले रहे हो तो कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैक्सीन लेके आप एक्टिव कैरियर बन जाते हो, आप अपने परिवार को कोरोना दे दोगे, बिकॉज यू आर एन एक्टिव कैरियर। या तो आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है तो समझ में आता है। तो वैक्सीन लेके तो यूजुअली लोग आइसोलेट नहीं करते अपने को, वो तो और मतलब सीना तान के घूमते हैं कि देखो हमने वैक्सीन ले लिया हम तो बच गए। अब 5 साल बाद आपको कैंसर होना है, उसका कौन ध्यान रखेगा? ये वैक्सीन लिया है इसका 5 साल बाद, अभी तो ये बिना टेस्ट के दिए जा रहे हैं ना, तो 5 साल बाद आपको क्या प्रॉब्लम आनी है? 10 साल के बाद फिर कैंसर होगा, फिर कहेंगे हमने तो कोई गलती नहीं की, कैंसर क्यों हो गया? फिर कर्म को दोष देंगे। तो आंखें तो खोलनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। अभी हम सोच रहे हैं कि ये सब ना, देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना, ये डर पे बेस्ड कल्चर है। जो पाश्चात्य सभ्यता है वो डर पे बेस्ड है, उनका रिलीजन, उनका सब कुछ डर पे बेस्ड है। डर पे बेस्ड करके उन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया अपने को बचाने के लिए। आज भी देखिए क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि नहीं जी, पहले तो अमेरिकन को लगेगा, हम तो नहीं देंगे किसी और को। मैं तो कहता हूं वैक्सीन चाहिए ही नहीं, पर उसके बाद भी अगर चाहिए तो कोई देगा नहीं दूसरा। डर पे बेस्ड व्यवस्था है वो। ये पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम पाश्चात्य व्यवस्था, ये डर पे बेस्ड है। अपने को बचाओ, दूसरों को मार दो, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक तथ्य क्या है कि अपने को बचाने के लिए तुम दूसरे को मार सकते हो। ये किसी भी पाश्चात्य धर्म तो नहीं कहेंगे, रिलीजन धर्म नहीं होता। धर्म होता है प्रकृति की व्यवस्था, उसे धर्म कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर, इसको धर्म कहते हैं। वो तो अपना रिलीजन बनाते हैं, अपने आइडिया बनाते हैं कि अपने को बचाने के लिए दूसरे को मार दो, यही मेडिकल साइंस है। दिस इज द मेडिकल साइंस, टू सेव योरसेल्फ किल समथिंग एल्स, किल समथिंग एल्स। सो यू नो, आप जानते हैं ना, आपके घर में मच्छर आते हैं तो क्या करते हैं आप? व्हेन मस्कीटोस कम इन योर हाउस, व्हाट यू डू? यू किल मस्कीटो। बट हाउ डस मस्कीटो गेट्स किल्ड? मच्छर मरते कैसे हैं? जब इस जीवनदायिनी व्यवस्था को, when you disturb the life creating ecosystem, when you disturb the life creating ecosystem, mosquito gets killed. But it is not disturbed to an extent where you get killed, but you will get impacted in 5 years, 10 years, 20 years, you will get impacted. अगर इस जीवनदायिनी व्यवस्था को हम खराब करेंगे तो इस समय तो मच्छर मर जाएगा, मगर आपके ऊपर भी तो असर हो रहा है। 5 साल 10 साल में आपके ऊपर भी असर आने लगेगा, क्योंकि उसी से तो हम भी जी रहे हैं। दिस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम इज सस्टेनिंग एन एनिमल, अ प्लांट और अ ह्यूमन लाइफ।
तो जब तक इस सोच को नहीं बदलते, जब तक हम इस इफ यू डोंट चेंज द वेरी वे वी आर लिविंग, इट्स नॉट गोइंग टू एंड रियली. सो व्हाट इज द वे आउट एट दिस मोमेंट, व्हाट टू डू? एक चीज जो की जा सकती है, क्योंकि इट्स टू मच ऑफ अ सोशल साइकोलॉजी, इट हैज गॉट इनटू सोशल साइकोलॉजी टू मच. द मोमेंट यू फॉल इल यू थिंक दैट यू नीड मेडिसिन. ये आपकी साइकी में है, आप हटा ही नहीं सकते. इतना डर लग जाएगा कि आपको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा. यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर एंड स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन. ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स नाउ, आज के समय पे बहुत एग्जांपल है. हमारे पास में ही ऐसा एग्जांपल है वेयर पीपल हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इन 3 days, जस्ट 3 days, नॉट मोर देन दैट. 3 दिन में ठीक हो जाता. इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल फ्लू. If you don't take medicine, if you are compromised, if you are taking medicine for long, then there is a risk, more risk. अगर आपका कोई organ compromised है पूरी तरीके से, तब risk होता. Otherwise, थोड़ा compromise में भी risk नहीं. Even if it is little compromised, it is not that much of a risk. People are dying with other causes, लेकिन there is a nowadays, आज के समय पर कोरोना, कोई किसी भी डेथ को यू कैन राइट इट एज कोरोना डेथ. सो व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, हु विल सेव यू, कौन आपको बचाएगा? मेडिसिन विल नॉट सेव यू. Rather, medicine is killing people. Who will save you? Your body will save you. Nobody else can save you. आपका शरीर आपको बचा सकता है. It has been saving you for millions of years. लाखों सालों से ये बचा रहा है ना आपने आपको. Medicine have come in the last 50 years. पिछले 50 सालों में दवाई आ गई. उसके पहले क्या दवाई थी? And millions of years, लाखों सालों से बचा रहा है. फिर ये बॉडी कैन सेव यू एंड इट हैज बीन सेविंग यू. यही बचा रहा है आपको. आप सोचते हैं दवाई कोई किसी को बचाती है? नहीं, दवाई किसी को नहीं बचा सकती. मेडिसिन कैनॉट सेव एनीबडी. सो देर आर टू फंक्शंस इन यू. आप मेरे को ध्यान से सुनिए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात अभी कर रहा हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग अ लिटिल अबाउट दिस सो दैट यू गेट इट क्लियर. देर आर टू फंक्शंस इन यू. दो काम होते हैं आपके अंदर, वॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन. सो योर ऑर्गन फंक्शन इज इनवॉलंटरी फंक्शन. आप कह रहे हैं कि चेस्ट जो है, द लंग फंक्शन गेट्स कॉम्प्रोमाइज इन कोरोना. कोरोना में लंग का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है. बट Is lung function under your control? क्या ये आपके control में है? नहीं, ये आपके control में नहीं है. So breathing can be in your control a little bit, थोड़ा आपके control में हो सकता है. But the function of lung is not in your control. आपके control में liver function? No. Heart function? No. Neuro function? No. ये कोई भी आपके control में नहीं. Now What happens? क्या होता है? If you use your body, अगर आप शरीर को इस्तेमाल करेंगे, if you use your body, the involuntary function support your voluntary activity. आपके voluntary activity को involuntary function support करता है. For example, if you start walking, brisk walking करना शुरू कर दें, what will happen? Blood flow, heart rate, है ना? Liver function, everything. will increase to suit your walking. वो बढ़ेगा आपकी walking को suit करने के लिए. Now since effort making aspect of human body has come down drastically in the last 50 years. पिछले 50 सालों में effort making, आप कितना effort करते हैं शरीर से, effort making aspect has come down, बहुत कम हो गया. So your involuntary function doesn't pep up. वो इतना बढ़ता नहीं है कभी भी.
क्योंकि आप शरीर से एफर्ट नहीं करते, यू डोंट मेक एफर्ट विथ योर बॉडी, सो इनवॉलंटरी एक्टिविटी रिमेन्स अ लिटिल स्लगिश और डॉर्मेंट, वो कम ही रहता है. सो व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 50 इयर्स, द इनवॉलंटरी कैपेसिटी हैज कम डाउन. आपके इनवॉलंटरी फंक्शंस जो है, द इनवॉलंटरी कैपेसिटी हैज कम डाउन. नाउ सपोज, ये बात मैं आपको एक सिंपल तरीके से और भी बताऊं, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू मेक अ लायन पेट, एक शेर को पेट बना दें, विल इट बी एबल टू हंट, क्या वो शिकार कर पाएगा? वो शिकार नहीं कर पाएगा कभी, बिकॉज वाई, क्यों नहीं कर पाएगा? इट इज बिल्ट इन हिम, हंटिंग इज बिल्ट इन अ लायन, मगर वो क्यों नहीं कर पाए? इफ यू मेक अ लायन पेट, इट विल नॉट बी एबल टू हंट, बिकॉज इवन इफ इट वॉन्ट्स, अगर ये चाहेगा भी तो इसका इनवॉलंटरी फंक्शन जो है ना, वो सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज द इनवॉलंटरी फंक्शन हैज बिकम डाउन एंड इट हैज लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू फंक्शन इन एडवर्स कंडीशन. मुश्किल हालात में काम करने का की क्षमता आपके इनवॉलंटरी फंक्शन की कम हो गई. दिस इज कॉल्ड एज लो इम्यूनिटी. अभी इम्यूनिटी समझा रहा हूं केवल आपको. यू डोंट अंडरस्टैंड इम्यूनिटी द वे इट्स गोइंग ऑन. इम्यूनिटी, यू डोंट नो व्हाट इज इम्यूनिटी. आपको लगता है कि एक वायरस से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी, नो, योर होल इनवॉलंटरी फंक्शन टू वर्क एट इट्स बेस्ट इन एन एडवर्स कंडीशन, ये इम्यूनिटी. सो वॉट विल हैपन, यू विल सी, इफ यू मेक अ लायन पेट, इट विल स्टार्ट गेटिंग इन टू डिजीज कंडीशन, उसको डिजीज होना शुरू होगा. यू कैन गो ऑन द नेट एंड सर्च फॉर एनयू ENU, NU community in Canada, Aboriginals of Canada, जो ये अमेरिकन है, नहीं अमेरिकन तो है नहीं, ये कैनेडियन कैनेडियन नहीं है, जो असली अमेरिकन और कैनेडियन, उनको तो उन्होंने बहुत persecute कर रखा है. अमेरिका में they call the original Americans Red Indians, and in Canada it is NU, Inu. So they wanted to actually civilize this Innu community, but they have a large track record of those community. They were tracking them. उनको वो देख रहे थे और उनको civilize करने की कोशिश की. They never, Innu community never had disease like diabetes, hypertension, asthma, arthritis. These जितने भी ये cancer, ये कभी उनको था नहीं. There was no history of disease in any community. When they started civilizing them, in 25 years time, they started getting all the disease. सारी बीमारियां होने लग गई. Now there are lot of evidences now. अभी बहुत evidence है. तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी. You'll have to open your eyes. So the way we think is best life, जो हमारी जीवन ऐसा अच्छा हमको समझ में आता है, no, that is not the right way to approach life. It is just based on fear, डर पे based है. We are not even touching the ground, हम जमीन को भी आज touch करने की हिम्मत नहीं करते, चप्पल पहनते हैं ना. The earth from where you have popped up, उसको भी आज touch करने के लिए allergy हो गई है. अपने आप को हमेशा एक ऐसे कपड़ों में बांध के रखेंगे सो दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डजंट टच यू. ये क्या व्यवस्था है? दिस इज फियर, बेस्ड ऑन फियर. तो एक ही चीज कर सकते हैं इस वक्त में. लेट मी टेल यू, देयर इज ओनली वन वे टू डू थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू एम्पावर द इनवॉलंटरी फंक्शन इन साइड यू. आप इनवॉलंटरी फंक्शन को एम्पावर करें. देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, आई एम टेलिंग यू. शरीर से भी आज के टाइम पे अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे. इफ यू वॉन्ट टू एम्पावर योर सेल्फ थ्रू योर वॉलंटरी फंक्शन,
यू विल फेल. दैट इज व्हाई यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आज आपके ऊपर डाल दिया जाए ना, वो बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर. इनवॉलंटरी फंक्शन विल नॉट सपोर्ट योर वॉलंटरी एक्टिविटी. आपका इनवॉलंटरी फंक्शन वॉलंटरी एक्टिविटी को सपोर्ट ही नहीं करेगा. आफ्टर सम टाइम यू विल ड्रॉप योर एक्सरसाइज. एंड मोर ओवर, हाउ मच योर इनवॉलंटरी फंक्शन सपोर्ट योर वॉलंटरी एक्टिविटी इज क्वेश्चन मार्क. ये आज के टाइम पे क्वेश्चन मार्क है. ऑल द स्पोर्ट्स पीपल आर गेटिंग इन टू डिजीज, डायबिटीज एंड अदर डिजीज स्पोर्ट्स के लोगों में है. So what I am saying is your involuntary function is not supporting you. आपके अंदरूनी व्यवस्था जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपने उसे धीरे धीरे करके कल्चरली कमजोर कर दिया. You made it weak culturally. Involuntary action को कैसे आप impact कर सकते हो? Is there any way to impact your involuntary function or empower your involuntary function? एक काम कीजिए ना, just do one thing. Hold your breath and sit for some time. सांस रोक लीजिए, बाहर कोई एक्शन नहीं करना. डोंट डू एनी एक्शन आउटसाइड. व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, आपको पसीना आने लगता है. सम पीपल लास्ट टाइम सेड ना, वी हैव स्टार्टेड स्वेटिंग. कुंभक करते वक्त में स्वेट हो रहा था कई लोगों को. सो इफ यू डोंट डू एनी एक्टिविटी, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. स्वेटिंग कैसे हो गया, इतना काम कैसे कर लिया आपने? यू डिडंट मूव अ लिंब, आपने हाथ पांव भी नहीं हिलाया. And your heart rate will go up. वो heart rate बढ़ जाएगा आपका. Heart rate going up means everything in your body has got impacted. हर एक को असर आ गया. Is there any other way to impact your involuntary function? No. This is the only way to impact your involuntary function. Breath hold, but not just like any breath hold. है ना, देन यू विल नॉट गेट इट द राइट रिजल्ट, तब नहीं आएगा. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव. एक एग्जाम्पल कैसे बताएं? यू डायल, यू हैव 1 to 9 नंबर्स ना, 0 to 9 नंबर्स इन योर ऑन योर मोबाइल, है ना. कुछ भी डायल करो तो कहीं भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे ना. So you will have to dial a particular number to reach a particular place. Kumbhak therapy is that only. We are doing a particular thing to reach a particular function in your body. There are lot of thousands, millions of functions going on. Abhi to science ko kuch bhi nahi malum. 1%, they know just 1%. Medical science know 1% of the whole body function. Abhi to malum hi nahi hai unko. So this is what we are trying to do. Correct your involuntary function. And how it helps? कैसे मदद करता है? आपके घर में कोरोना हो जाएगा, आपको नहीं होगा. We have cases. हमारे पास में केस हैं. Where in the family everybody was corona positive, the person who was doing kumbhak was not positive. Even there were people who became positive and they came out very easily. बहुत आसानी से निकल गए. आई हैव अ केस स्टडी ऑल्सो वेयर 1% विद अ कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट फंक्शन एंड अनदर पर्सन कंप्लीटली हेल्दी. दो लोग मेरे साथ ही काम करते हैं, दे वर्क विद मी. दोनों का केस स्टडी है मेरे पास में. वेयर 1% एक्चुअली फॉलोड व्हाट आई सेड. उसने कुछ नहीं दवाई लिया, जस्ट फ्रूट्स एंड जूसेस. If you get into corona, drop your cooked food. पका हुआ खाना ना खाएं. Get with fruit and juice diet. इस पे आ जाएं. Do your kumbhak. Kumbhak आप regularly करें. Don't take medicine. Even if your fever shoots up, अगर ये 102, 103, 104 भी होता है, it doesn't matter. The body handles it very beautifully. आप कैसे support? How do you support it? Your body? Just put wet cloth on your head and wipe your body with a wet cloth. ये गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लें, सिर पे गीला कपड़ा लगाएं, ठंडी पट्टी पहले भी लगाते थे ना. We used to do it earlier also. Instead of taking a paracetamol, do that. 3 days, it doesn't take even 3 days. 2 दिन के बाद फीवर खत्म हो जाता है.
इट डजंट इवन टेक 3 days. 1% डिड दैट, हिज होल फैमिली ऑल्सो गॉट इन टू कोरोना. सबके सबको उसने बैन कर दिया, नो मेडिसिन, जस्ट फ्रूट्स एंड जूसेस. 3 दिन में सब निकल के आ गए, एवरीबडी केम आउट इन 3 days. द अदर पर्सन डिंट बिलीव मी, मुझे भरोसा नहीं कर पाया, डर गया. हेल्दी पर्सन, ही वेंट टू अ डॉक्टर एंड ही केम आउट इन ऑलमोस्ट लाइक, स्टिल ही हैज प्रॉब्लम, अभी भी प्रॉब्लम है, स्टीरॉइड्स लग गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स, ऑक्सीजन लेवल डाउन, दिस दैट. इट टुक हिम 20 days, 20 दिन लग गए उसको. We need to open our eyes towards this. Hospital में लोग मर रहे हैं, otherwise if you don't go to hospital you will not die, that is for sure. If you don't take medicine, of course, if you get panicked, take medicine, then there will be risk. Medicine की वजह से risk है.